द्विवेदी एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, इस समय रीवा मध्य प्रदेश के सिरमौर तहसील अंतर्गत कौन सी स्कूल आपकी कहलाती है? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अतरैला। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अतरैला के प्रांगण में हूँ और ये ऑफिस कार्यालय है और हमारे बीच में यहाँ के प्रभारी प्राचार्य बैठे हुए हैं, इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। साथ में आप देख सकते हैं हमारे कुछ अन्य शिक्षक, एक गार्जियन है बच्चों के, एक दो और गार्जियन है जो बाहर हैं। इस तरह से कुछ ऐसे मामले हैं जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा से, यहाँ की उनकी सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के अधिकार से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, और हमारे बीच में प्राचार्य महोदय हैं, मैं इनसे सीधे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? शिव कुमार वर्मा। आप यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य हैं? जी, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक हैं, अच्छा, प्रधानाध्यापक हैं। और आप के स्थान पर जो यहाँ पे परमानेंट प्रधानाध्यापक हैं, वो इस समय उनकी क्या स्थिति है, कहाँ है? उनकी तबीयत गड़बड़ है, उस समय मेडिकल में। मेडिकल में इसी, तो मेडिकल में होने के कारण उन्होंने प्रभार आपको वर्तमान में दिया था, प्रभार कुमार। तो वर्मा जी, आप ये बताएं कि जैसे हमने देखा, इसके पहले भी ये मुद्दा उठा था, यहाँ के जो गार्जियन हैं जिन्होंने अपने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, हाई टेंशन लाइन में एक इशू बहुत दिनों से रेज किया हुआ है, जिस पर एक लंबे अरसे से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। हमारे बीच में गार्जियन उपस्थित हैं, प्रमोद सिंह, जो आपके अतरैला निवासी हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं और वो मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, दैनिक जागरण से जुड़े हुए थे और संभवतः अभी भी जुड़े हुए हैं। निरंतर इस बात को उन्होंने लोगों के माध्यम से तमाम हर फोरम में ये बात रखी और आप लोगों से भी चर्चा की, जो भी आपके आपके जो भी उसको रहने दें, तो मतलब जो भी था, तो कुल मिलाकर ये बात है कि ये हाई टेंशन लाइन की जो तार था ये आज तक नहीं हटा है, इसके पीछे क्या कारण है? अब ये सर, हम जितने हमने तो यहाँ हमारे विद्यालय से लिख करके गया, जानकारी गई और ये श्री प्रमोद सिंह के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि ये वास्तव में दिक्कत तो है जी। और अपने भी बीच में ये हमसे भी जानकारी मांगे कि ये भाई इसको आप लिख करके हमको दो जी, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको बच्चे जो बैठते हैं यहाँ, दिक्कत तो होती है जी, है यहाँ खेलना भी, खाना भी, सभी प्रकार के कार्यक्रम भी, कोई कार्यक्रम भी होते हैं जी जी, है ना, और इसलिए ये हाई टेंशन के कारण बड़ी दिक्कतें हैं जी। ये जानकारी आपको दी गई है जी, तो कुछ नहीं हुआ इसमें। तो हाई टेंशन लाइन का ये मामला उठा करके यहाँ से संबंधित जेल से बात की गई थी, हम पंजाब में लाना चाहेंगे, और यहाँ की जेल द्वारा ये कहा गया था कि इसका शिफ्टिंग किया जाए, शिफ्टिंग के अलावा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं था। और शिफ्टिंग की जो प्रोसीजर होती है वो यह होती है कि जो विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, वो एक आवेदन बना करके संबंधित जेई को देता है, विद्युत विभाग को, विद्युत विभाग इसका एस्टीमेट तैयार करके आपको देगा, जो रमसा में जाएगा और रमसा से जो राशि इनके इसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी विद्युत विभाग के अकाउंट में, तब इसके बाद इसका समाधान होगा। क्या ऐसा अभी तक हो पाया है? तो क्या आपको वो लेकर एस्टीमेट अभी जेई से नहीं मिला है? चलिए, इस पर जरूर गौर किया जाए। अब आए हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जो गार्जियन है, प्रमोद सिंह जी, आप अतरैला निवासी हैं, आपने इस हाई टेंशन लाइन के मामले को काफ़ी हद तक उठाया हुआ है और सफलता भी आपको मिली है, क्योंकि पिछली बार जब ये मुद्दा रखा गया था तो जेई से बात हुई और उन्होंने यही करवा और जेई लाल गांव और इन्होंने एस्टीमेट बना करके स्कूल शिक्षा विभाग को देने की बात कही थी, तो उसमें आपकी जानकारी में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसके बारे में थोड़ा अवगत करवाएंगे? सर, मेरे को जेई साहब बोले थे कि आपका पास हो गया है, सेंक्शन हो गया है और ये मैं स्कूल को भेजूँगा। स्कूल को भेजने के बोलने के बाद आज तक वो जी साहब स्कूल के पास नहीं भेजे, लेकिन उसके बारे में मैं उनसे चर्चा करूँगा कि भाई लेटर आप स्कूल को भेजवाइए और इसको हाई टेंशन लाइट को आप शिफ्टिंग करवाइए जी। स्कूल से संबंधित और क्या समस्याएं आप लोगों की, गार्जियनों की नज़र में है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो बताएं कि आपके यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? सर, मेरे दो बच्चियाँ हैं, एक का नाम है रुक्मणी सिंह, पंचमी में पढ़ती है, एक का नाम है महाक सिंह, दूसरी में पढ़ती है। सर, गांव के बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, इसमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जी, अमीर लोग तो जैसे सरपंच हो गए वगैरह वगैरह, इनको तो रीवा सदरम पढ़ते हैं,
लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल की दयनीय पोजीशन है जी। पहला काम तो यह है कि बच्चों को खड़ा होने के लिए ग्राउंड नहीं है। दूसरी बात, गांव का गंदा पानी स्कूल के दरवाजे से, ग्राउंड से ही निकलता है जी। तीसरी बात, स्कूल गिरी हुई है, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात को मैं बार बार मीडिया प्लस हमारे जो जुड़े हैं उनके पास मैं पहुंचाता रहता हूं कि इसका कार्य किया जाए, जहां से हो जैसे भी हो स्कूल की व्यवस्था एक नंबर होनी चाहिए। क्योंकि स्कूल में असामाजिक तत्व भी यहां आते हैं, बाउंड्री न होने की वजह से यहां बैठ के नशा पत्ती करेंगे, स्कूल की खिड़कियां निकाल लेंगे, स्कूल के गेट निकाल लेंगे जी। मैंने इस प्रकार की है, अगर हमारे स्कूल में बाउंड्री बन जाए तो हो सकता है कि आधा व्यवस्था हमारी स्कूल की सुधर जाए। तो आप चाहते हैं कि इसमें बाउंड्रेशन हो जाए प्रॉपर तरीके से। क्या यहाँ का स्कूल भवन भी क्षतिग्रस्त है, जो गिरने की संभावना है कोई? जी सर, हमारे यहाँ का दो स्कूल तो ऐसी है कि आप 10 साल से गिरी हुई है। एक स्कूल ऐसी है जो गिरने की कगार में, जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ते भी हैं। अगर इस साल भी जोरदार बारिश हो जाती तो स्कूल गिर जाती। आप क्या यहाँ के गार्जियन ही हैं या शिक्षक हैं? आपका शुभ नाम क्या है? जगजीवन प्रसाद साहू। थोड़ा सा तेजी से बोलिएगा। जगजीवन प्रसाद साहू। आप यही अतराइला निवासी जी? आपके कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता है। एक बच्चा आपको पढ़ता है जी? कैसी है उसकी शिक्षा दीक्षा? क्या आप उसकी शिक्षा दीक्षा से संतुष्ट हैं? शिक्षा दीक्षा वो सतमी पढ़ता है, वो कुछ जानता नहीं। कुछ नहीं जानता है? नहीं। अच्छा, और बाकी स्कूल से संबंधित आपकी क्या समस्याएं हैं? आपको क्या लगता है कि स्कूल में क्या सुधार होना चाहिए, क्या यही जो फाउंडेशन है यहाँ का, जो ये लाइट इससे ऊपर से गई हुई है, मैन लाइन, इन सब बदलना चाहिए। बदलना चाहिए बिल्कुल। आपका शुभ नाम? गिरिजा शंकर विश्वकर्मा। आप कहाँ के निवासी हैं? अतराइला। आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ दो बच्चियाँ पढ़ती। दो बच्चियाँ पढ़ती, किस किस क्लास में, क्या क्या नाम है उनका? एक शीलू विश्वकर्मा कटनी में है और एक श्वेता विश्वकर्मा। अच्छा, तो क्या आप उनकी शिक्षा दीक्षा से संतुष्ट हैं? हम ठीक हैं, पढ़ने में थोड़ा। पढ़ने में ठीक है। स्कूल के अलावा क्या आप उनको घर में पढ़ाते हैं, समय देते हैं? जी हाँ। क्या ट्यूशन वगैरह भी पढ़ती हैं? नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ती, घर में एक घंटे आधा घंटे। स्कूल की व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट हैं? स्कूल के बारे में क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? हाँ, तो परिवर्तन के लिए तो हमारे, हाँ उन्होंने बताया, लेकिन आप भी अपने मुंह से कुछ बताएं, आप लोग भी बताएं। हाँ, यही है, यही सब दिक्कत है, हाई टेंशन लाइन की दिक्कत है। स्कूल भवन थोड़ा सा जर्जर है जो है ना, ये तो ठीक है फिलहाल आप, लेकिन जो गेट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, ये सब आप चाहते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? भूपेन कुमार शुक्ल, सहायक अध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय करौला। अच्छा, आप यहाँ पे सहायक अध्यापक हैं। तो शुक्ला जी, ये स्कूलों के विषय में कुछ, जैसे उनकी बिटिया सतमी में पढ़ती है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने चर्चा की, उनका ये कहना था कि स्कूल में क्या पढ़ाई होती है उनको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उनकी बच्ची को कम आता जाता है, तो इस तरह से इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी बच्ची को तो आता है सर, उनकी जो बच्चा है वो लड़का है वो विद्यालय तो आता है रिग्वेस, लेकिन वो शुरू से ही उसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर है, वो कितना कुछ भी बताए उसके सर समझ में कुछ बात नहीं आती है, और चाहे कोई कुछ नहीं कुछ बात जा रही सर, जितने स्तर में उस स्तर से बढ़ नहीं रहा सर। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास में हैं कि वो स्तर में सुधार हो जाए, वही कोशिश कर रहे हैं सर, और प्रयास में नहीं है। जो ऐसे बच्चे जिनकी बुनियाद कमज़ोर है जी, या कि आपके स्कूल में डाल दिए गए अथवा यहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं जी, उनकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए या कमज़ोर बच्चों को और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों के माध्यम से, स्कूल शिक्षा विभाग आपका जो यहाँ पे स्कूल है जी, स्कूल में आप अध्यापक हैं, आप लोगों के द्वारा क्या विशेष योजना, क्या विशेष कार्य किया जाता है? दक्षता उन्नयन के समय चल रहा सर, दक्षता उन्नयन के संबंध में जो बच्चा कमज़ोर है उसको शुरू के स्तर से ले रहे हैं, काका काका के शब्द से ले रहे हैं सर। जो यहाँ हम लोग पढ़ा देते हैं वो दोबारा रिपीट घर में नहीं किया जाता है, अभिभावक के द्वारा रिपीट नहीं कराया जाता है। उसका जो बच्चे का झोरा है, होमवर्क जो हम लोग देते हैं, कभी भी अभिभावक खोल के नहीं देते हैं, देखते हैं कि शिक्षक ने क्या दिया है, क्या पढ़ाया है, और न बच्चे से पूछने के लिए तैयार हैं। जितना हम लोग यहाँ पर्से पढ़ा दिए सर, उतने के अलावा वो सामने बैठे हैं सर, उनसे पूछिए कि कभी बच्चे से आप पूछें कि शिक्षक क्या पढ़ाए हैं, आप क्या देखे हो, सामने बैठे हैं सर, पूछ लीजिए। नहीं, कुछ तो अभिभावक ऐसे भी होंगे जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं पढ़े लिखे तो भी सर आपने उनके घर में उनके भाई कहीं पढ़ के यहाँ से गए हैं सर, लड़के ही गए हैं पढ़ के यहाँ से चले गए हैं सर, वो ठीक है। आपने बच्ची भी सर हमारे यहाँ से गई है,
84% रिजल्ट लेके आए हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल पताई से। क्यों सर? आपने अभिभावकों के विषय में कहा कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, माना जा सकता है, लेकिन स्कूल के माध्यम से आप अध्यापकों के माध्यम से क्या टीचर और अभिभावक गार्जियन की टीचर गार्जियन मीटिंग एक टीचर पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है साप्ताहिक इस तरह से आयोजन का विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपके जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखी रहती है आप इस तरह से क्या कोई आयोजन करते हैं? आयोजन करते हैं, पालक शिक्षक संघ का गठन है सर हमारे यहाँ, उसका अध्यक्ष है और सचिव जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक श्रीनाथ शाह साकेत जी है, उसकी महीने में मीटिंग होती है सर। मीटिंग में बुलाने के में पे दो तीन लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोग, बाकी नहीं आ पाते, कोई नहीं आता, जब बुलाते हैं नहीं पाते हैं सर। वही 15 अगस्त को 26 जनवरी को समय देते हैं, आते हैं बस। तो ये भी एक दुखद बात है। आइए हम थोड़ा सा प्राचार्य महोदय से बात करेंगे। कुछ बातें आप के स्कूल के विषय में जैसे आई हैं, इनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के विषय में और ये सब बातें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इनकी गुणवत्ता सुधार और इसकी क्वालिटी के बारे में? अब देखिए ऐसा है कि अभी ये प्रदेश शासन द्वारा ये चलाया गया है दक्षता उन्नयन, मिडिल में 3 स्तर बनाए गए हैं, प्राथमिक में 2 स्तर बनाए गए हैं, तो उस स्तर के हिसाब से अब यह पाठ्यक्रम चल रहा है, माने 2 विषय हिंदी और गणित का, तो अब स्तर से चल रहा देखिए तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। हमने आपसे चर्चा की थी हाई टेंशन लाइन वाले मामले को लेकर के, अभी यहाँ पे प्रमोद सिंह जी और दूसरे लोगों ने बताया कि स्कूल की बाउंड्री के विषय में और आपकी गेट वगैरह के विषय में, इसके विषय में आपने स्कूल शिक्षा विभाग को कितनी जानकारी दी हुई है? अब ये है सर कि अब इससे तो मैंने अलग से जानकारी हमने नहीं लिख कर दिया, तो मतलब आपका मैंने ये हमारा कथन है, ये कहना है कि जो जानकारियाँ जैसे आती है कि बिल्डिंग कितनी है उसकी जानकारी दी है, कितनी बिल्डिंग है, कितनी जर्जर है ना, तो बस इतने देते हैं। फाउंडेशन के लिए भी दिया था, सरपंच से बोला गया, सरपंच साहब से भी अपने बताया गया था कि मैंने बाउंड्री बन जाए तो यहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं कि यहाँ शराब पीते हैं बैठते हैं, यहीं गांजा पीते हैं, यहाँ जो सामने हम लोग आते हैं तो चौंगी पड़ी रहती है, उससे बच्चों के संस्कार में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चौंगी देखेंगे, पौआ की बोतल देखेंगे, तो इससे क्या उनके मन में होता है, ही हटाते हैं फेंकते हैं, बच्चों से भी नहीं फिलवाते, बच्चे देख रहे मात्र इस वजह से क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं है, इसमें कोई लॉक नहीं है, गेट नहीं है, इसकी वजह से। जब आपने बात सरपंच के समक्ष रखी, संबंधित पंचायत के समक्ष रखी इसके बारे में, तो उन्होंने क्या आपको कहा? क्या सरपंच साहब ने यही कहा कि हो जाएगा, व्यवस्था में लगे बाद में कोई जानकारी नहीं आई। और बाकी DPC जो आपका होता है स्कूल शिक्षा विभाग में, वहाँ से भी तो राशियाँ वगैरह सैंक्शन होती हैं? नहीं, तो इसके लिए नहीं आई सर, इसके लिए नहीं आई। सबसे बड़ी बात, आपने ये बात लिखी तौर पर उनको दी भी नहीं कि हमें इसकी आवश्यकता है, ऐसे हमें अपना भवन निर्माण करवाना है, मेडिकल में जितना अब है तो उतना चला रहे हैं अपने हिसाब से। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हमारे बीच में एक और भी अध्यापक महोदय हैं, हाँ थोड़ा सा जानकारी ले लें आप, कृपया फोकस करें। क्या शुभ नाम लिखेंगे आप? राजन प्रसाद पांडे। आप भी सहायक अध्यापक हैं? अपने स्कूल की जो आपकी स्थिति है वर्तमान में, हाई टेंशन लाइन, बाउंड्री, गेट, शिक्षा दीक्षा, इस सब विषय में आप क्या कहें? चलिए, समस्याएं तो हैं, इनसे प्रभावित तो होता है कार्य, और इसको विभागीय तौर पर अभी एक डाक आई थी ये जर्जर भवन की, उसमें तो उसकी जानकारी दी गई। अच्छा, डाक आई थी जी, और आप लोगों ने जानकारी भेजी है, तो डाक आपको कहाँ से आई थी? ऊपर BO BO कार्यालय, BO कार्यालय से। तो BO कार्यालय में आपने जानकारी को भेज दी, तो अब इसमें क्या आपको उम्मीद लग रही है कि इसमें कोई समाधान इसका होगा? शासन स्तर पर है सर, जैसा कार्य शासन करेगी जानकारी तो पूरी दे दी। आज तक हाई टेंशन लाइन को नहीं हटवाया जा सका है, जबकि ये बहुत ही खतरनाक है, कोई भी व्यक्ति यदि छत पे चढ़ जाए तो भारी समस्या होगी, ये तो स्कूल शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी है। इस विषय में आपका क्या कहना है? इसको तो हटना चाहिए, बड़ी दिक्कत, इसको हटना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने मन लगा करके प्रयास किया इसमें? इसकी तो उसी है सर, एक बार दो बार लिखित में जानकारी इसकी दे दी गई है विभाग की तरफ, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो इसके लिए सीधे आप लोग जिम्मेदार होंगे।
आप यद्यपि इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन दुर्घटना घटित हो जाती है तो जिम्मेदार आप ही ठहराए। विद्यालय परिवार पूरा जिम्मेदार, तो इस बात को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि विभिन्न मुद्दे हैं स्कूल के, और वो सब रेज किए गए, यहाँ पे उपस्थित अभिभावक गण हैं, शिक्षक गण हैं, प्रभारी यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, सबसे चर्चा की गई, सभी मुद्दों पर खुल करके बात की गई, और हाई टेंशन लाइन की समस्या यहाँ पे बताई गई, स्कूल में जो शिक्षण व्यवस्था है उसके बारे में भी कुछ गार्जियन ने अपनी बातें रखी हैं, यह भी समस्या आई सामने। और जो सबसे मूलभूत समस्या आई वह यह है कि स्कूल में बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, यहाँ पे भवन जर्जर है जो कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, हाई टेंशन लाइन है जो एक दुर्घटना का बहुत बड़ा सबब बन सकती है। यद्यपि इन बातों को निरंतर उठाया जाता रहा यहाँ की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, लेकिन इस पर अब तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हो पाई है, इनका सबका यह कहना है। उम्मीद यह है कि जब प्रकरण वीडियो समक्ष संबंधितों के समक्ष रखा जाएगा, मीडिया के समक्ष जाएगा, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं डीओ हैं, शिक्षा मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं मध्य शासन के, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, जब इनके समक्ष ये बात जाएगी तो इस पर गौर करेंगे कि आखिर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है और गांव-गांव में घर घर में स्कूल जो खुलवाने का प्रावधान था जिसके अंतर्गत ये सब किया गया, मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान है, सारी चीज़ें हैं, तो इन सब का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से ग्रामीण स्तर पर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों विभाग इन पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्यों ऐसा है कि हाई टेंशन लाइन स्कूलों के सर से गुजरी हुई है, कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, निरंतर स्कूल विभाग के द्वारा यह बात संबंधितों के पास पहुंचाए जाने पर भी उस पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी सामने आई कि जो यहाँ पे क्षेत्रीय गार्जियन है वो इसमें कितनी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो स्कूल शिक्षा विभाग के जो सहायक प्राध्यापक और अन्य प्रधान अध्यापक वगैरह ने ये सब जानकारी दी है कि जो महीने में एक बार मीटिंग होती है बच्चों के अभिभावकों की और पालक और इस तरह से शिक्षक संघ की जो मीटिंग होती है उसमें इनकी उपस्थिति सही पैमाने पे सही अनुपात में ना होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि समाज इसमें यदि आगे नहीं आएगा, समाज यदि अपनी बात नहीं उठाएगा, अपनी समस्याएँ सामूहिक तौर पर नहीं रखेगा, शिक्षकों को निरंतर संवाद नहीं करेगा, तो इसमें सुधार हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए ये भी उम्मीद की जा रही है कि इन सब समस्याओं में समाधान होगा, और जो प्रशासनिक स्तर की समस्याएं हैं उनका अलग से निराकरण प्रशासन करेगा। मैं शिवानंद द्विवेदी, सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, अब आपको यहाँ से वापस लिए चलता हूँ। धन्यवाद।